अब हम लोग स्टार्ट, अब हम लोग जा रहे हैं नौका पे और वो जाल डलेगा, आप लोग सब देखेंगे। डर तो मुझे बहुत लग रहा है लेकिन मेरे बच्चों ने फोर्स किया और आप लोगों के लिए मैंने ये ब्लॉग बनाना उचित समझा ताकि आप लोगों को सारी जानकारी मिल सके और आप लोग इसका भरपूर आनंद लें और इसका लाभ उठा सके, मछली को अच्छे से मछली पालन को प्रोत्साहन कर सके। सो गाइस चलते हैं। ये देखिए सारे लोग नाव पे, कम से कम 10-12 लोगों की फौज है और सब नाव को ठेल रहे हैं, आपको पानी में धकेला। मुश्किल से प्रसन्न होते हैं ये और आज प्रसन्न मुद्रा में नजर आ रहे हैं। फाइनली उनको ये लग रहा है कि उनकी पत्नी के साथ वो सही जगह पे आए, नहीं तो हर समय बोलते हैं कि कहाँ लेके आए। ये भी अच्छी बात है मेरे लिए, चलिए कभी तो तारीफ के कुछ बोल सुनने को मिलते हैं। हम लोग भी आराम से सैर पे चले और हम लोग भी आराम से चले। ये ऐसे चप्पू को चलता है, चप्पू चला रहे हैं लोग और हम लोग जा रहे हैं। आप लोग भी कभी कभी मौका मिले तो नौका विहार जरूर किया कीजिए। नौका विहार आज बहुत अच्छा होता है। हम कुंभ में गए थे तो नौका विहार में हम लोग संगम में नहाए थे, लेकिन अब यहाँ बासुकी चक्कर नौका विहार मेरे लिए तो सबसे अलबेला और अनोखा है और आप लोग भी इसका मजा ले ही सकते हैं। ये लोग देखिए कितने लोग बैठे हुए हैं, ये लोग सब चप्पू चला रहे हैं और हम लोग नाव को लेके जा रहे हैं उस क्षेत्र में। नौका विहार में हम लोग जा रहे हैं और आधा घंटे के नौका विहार हम लोग करेंगे। ये कौन सा घर है? कोई भी वो फार्मिंग का घर है। ये क्या है भैया? वो जो बीच नदी में है। ओ ये देखिए सामने, ये मछली केज है और इसमें मछली पालन होता है। ये मछली का केज है, आप देख सकते हैं बीच नदी में है और ये मछली का केज है और यहाँ मछली का पालन होता है। Oh, 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 oh
देखिए ये जगह जो हरी भरी लग रही है ना, उसमें खेती होती है। यहाँ झींगा, नेनुआ, भिंडी, ये सब की खेती बहुत अच्छे तरह हर हरी सब्जी की खेती हर हरी सब्जी की खेती होती है और लोग यहाँ से खरीद कर ले जाते हैं और दुकान में, बाजारों में, दुमका में बिकता है। ये इतनी फ्रेश सब्जी है और हरी सब्जियों तो प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स का खजाना है और हमारे सेहत का भी खजाना है। मम्मी हम लोग कितना दूर आ गए ना, हम वहाँ पे कितने दूर आ चुके हैं। वो जो वहाँ पे वो पुल जो दिख रहा है वहाँ पे थे, वहाँ से हम लोग बिल्कुल बीच में आ चुके हैं। अब बीच नदी में है, बीच नदी में हम लोग हैं और डर तो नहीं, मजा का। ये मयूराक्षी नदी है हमारी सबसे पुरातन नदी, जो आगे चल के मसानजोर डैम में मिलती है और कभी मैं आपको मसानजोर डैम भी ले जाऊंगी और वहाँ की भी सैर करवाऊंगी। फिलहाल तो इस नजारे का मजा लेते हैं। 4 किलोमीटर पानी में नौका विहार कर चुके हैं और 4 किलोमीटर के बाद अब हम किनारे पहुंचने वाले हैं और देखिए भैया लोग कैसे जाल डालेंगे, यह सारी प्रक्रियाएं हम देखेंगे।